तो खड़ा है लेकिन आगे धुन चला रहा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्नेक लवर के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे दोस्तों एक इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा देखा गया है जो इन उबलों के नीचे बताया जा रहा है। दोस्तों मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी बिग साइज का कोबरा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब भी दोस्तों ऐसी जगह में उबलू निकालने जाएं तो छड़ी का प्रयोग करें या लकड़ी का प्रयोग करें। दोस्तों ऐसे में दोस्तों खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो एक कोबरा है जिसे आप कहते हैं, कहीं कहीं पे पलटू और कहीं कहीं पे दोस्तों इस नाजा नाजा कहा है। नाजा में दोस्तों हाँ खरी और भी दोस्तों अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ये। चलिए दोस्तों इसे निकालने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, काफ़ी ख़तरनाक मंज़र, ऐसा मंज़र बहुत कम देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रहा था और काफ़ी एक्टिव वहाँ पे दोस्तों, काफ़ी खाया पिया हुआ लग रहा है। जब भी दोस्तों ऐसा सांप आपको बाइट करता है तो आप सीधे हॉस्पिटल का सहारा लें, ना कि झाड़ फूंक का। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नामक वेनम पाया जाता है दोस्तों। इसके काटने के बाद दोस्तों एक टाइम होता है 40 से 50 मिनट का। आप इसकी लंबाई देख के दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ के लोग दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने ऐसे मारा नहीं और दोस्तों हमें फ़ोन किया। आप भी ऐसे बेजुबानों को बचाइए दोस्तों, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जब भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ होगी तभी आपको बाइट करेंगे, ऐसे बाइट नहीं करते। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ का रहन सहन, ऐसी जगह में दोस्तों ये रहते हैं, यहीं पे दोस्तों इनके जो मवेशी है यहीं पे बांधते हैं और यहीं पे दोस्तों ये उबले रखे हुए थे। अच्छा हुआ दोस्तों ऐसे में कोई हादसा ना हुआ। जब भी दोस्तों रात के अंधेरे में निकले टॉर्च लेके निकले दोस्तों, इसके काटने से दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट में स्वेलिंग यानी सूजन चालू हो जाएगी दोस्तों, जहां पर भी ये बाइट करेगा आपको, और आइट साइड की जगह पूरी लाल हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको उल्टियां चालू हो जाएंगी और सीने में दर्द होगा दोस्तों, और धीरे धीरे इसमें जवान मोटी होती जाती है दोस्तों, और ये ब्रेन को एकदम पूरा जाम कर देता है दोस्तों, और इसका सीधा असर नाड़ी तंत्र पे होता है दोस्तों। और भारत का ये सबसे तेज़ी से असर करने वाला सांप इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों।
और यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, जब भी इसके सामने कोई खतरा होगा तभी ये हुड लेगा, अन्यथा अब दोस्तों इसको खतरा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए वो जानता है दोस्तों कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, हमें मारेंगे नहीं, इसीलिए दोस्तों ये एकदम निडर है। चलिए दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हैं, इसे करते हैं दोस्तों पैक और ले दोस्तों किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसानों का आना जाना हो। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है दोस्तों, सांपों की पहचान करें और इनके बारे में जानें दोस्तों। जब भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ होगी तभी दोस्तों ये आपको बाइट करेंगे और इन्हीं के जहर से दोस्तों इसी का एंटीवेनम बनता है जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान को बचाते हुए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नहीं वाले आई वो ऊपर जरूर।